अतीक अशरफ हत्याकांड की बात करते हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े गए तीन शूटर्स में से एक सनी सिंह ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। सूत्रों से खबर है कि 13 अप्रैल को कोर्ट में ही अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग थी। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो तीनों हमलावर उनसे पूछताछ चल रही थी उसमें से एक ने खुलासा किया था कि ये जो पूरी प्लानिंग थी दरअसल इस वारदात को कोर्ट के भीतर अंजाम देना था, लेकिन वो इसे अमली जामा नहीं पहना पाए। 13 अप्रैल को कोर्ट में ही करनी थी हत्या। 15 अप्रैल की रात जब मेडिकल के लिए दोनों माफिया ब्रदर्स को लाया गया तब उनका प्लान कामयाब हुआ। सूत्रों पर अगर यकीन करें तो सनी ने कबूल किया है कि उनका पुलिस पर गोली चलाने का कोई प्लान नहीं था। उसने कहा है कि मरना नहीं चाहते थे लेकिन इसीलिए सरेंडर किया। और जब से अतीक और अशरफ की हत्या की है तब से जेल में इज्जत बढ़ गई है। सनी ये भी कह रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के गैंग ने उन्हें हथियार मुहैया करवाए। दिल्ली एनसीआर का ये वही कुख्यात गैंगस्टर है जिसकी सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। कानपुर का बाबर भी इसी गैंग से जुड़ा है जिसने इन तीनों शूटर्स को अत्याधुनिक पिस्टल दी थी। सनी ने यह भी कहा है कि ये तीनों लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर बनना चाहते थे। सनी ने यह भी बताया कि हत्या वाले दिन तीनों ने कॉलविन अस्पताल की रेकी की थी। पुलिस को जल्दी अस्पताल का सीसीटीवी भी मिल जाएगा। तो ये बड़े खुलासे पुलिस के सामने सनी ने किए हैं। वहीं अतीक अशरफ की हत्या का असल मोटिव पता लगाने में सनी का यह बयान काफी मददगार साबित हो सकता है। अतीक हत्याकांड को लेकर ये बड़ा खुलासा भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तीनों हमलावरों से लगातार पूछताछ जारी है। 4 दिन की रिमांड कोर्ट द्वारा पुलिस को इनकी मिली है और इस इंटरोगेशन में सनी ने कई बड़े खुलासे किए हैं और कहा है कि 13 अप्रैल को इस वारदात को दरअसल कोर्ट के भीतर ही अंजाम देने की पूरी प्लानिंग थी लेकिन उसमें असफल हुए। फिर अस्पताल में लेकर के जब मेडिकल के लिए इन दोनों को पहुंचना था पुलिस ने, इसीलिए हमने अस्पताल की रेकी पहले से कर ली थी और जिस दिन मेडिकल के लिए दोनों आए उस दिन हमने इन्हें खत्म कर दिया। 15 अप्रैल के दिन इन्होंने अस्पताल की रेकी की थी। तो अतीक हत्याकांड को लेकर यह बड़ा खुलासा है। 13 अप्रैल को कोर्ट में हत्या करनी थी, 15 अप्रैल को प्लान कामयाब हो सका। 15 अप्रैल को दिन में अस्पताल की रेकी की और ये हमलावर लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर बनना चाहते थे। जितेंद्र गोगी गैंग के बाबर ने हथियार दिलाए थे। गोगी गैंग ने ही चैनल आईडी कैमरा दिया था। हत्या के बाद जेल में इज्जत बढ़ गई, ये सनी की तरफ से कहा गया। जेल में अब काम नहीं करना पड़ता। पंद्रह अप्रैल को प्लान कामयाब हो सका, 13 अप्रैल को इस वारदात को अंजाम देना था, ये सनी की तरफ से कहा गया है। अस्पताल के बराबर रेकी की थी 15 तारीख को। तो पूछताछ में शूटर सनी एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रहा है। सोर्सेस हमें ये जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस पूरे मामले में। 15 अप्रैल को दिन में अस्पताल की